मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें आदरणीय नकवी जी, किशन रेड्डी जी, हमारे पार्टी की चुनाव सेल के प्रमुख ओम पाठक जी, हम लोग आए थे माननीय इलेक्शन कमीशन की पूर्णांग बड़ी को मिलने के लिए। यूपी चुनाव में निश्चित पराजय की भय से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हताश हो गए हैं, बौखलाए गए हैं। एक संवैधानिक पद में रहने की बावजूद आज भी वो स्वयं एमपी हैं। जिस भाषा का उन्होंने कल सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया, आजादी की 75 साल के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे अनास्था प्रकट करना, ना केवल अनास्था प्रकट करना, उसको सवहट करने का, उसको धक्का मारने का, उसको निंदा करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। ये प्रजातंत्र में ये मानसिकता बहुत खतरनाक है। इसी प्रक्रिया में आप चुनाव जीते हो, चुनाव की हार को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता के फैसला सर्वोपरि होता है। नतीजा कल आएगा, एग्जिट पोल कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं है। कभी कभी एग्जिट पोल सत्य भी दिखाता है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी करता है, उसमें हमारा कुछ टिप्पणी नहीं है। लेकिन बियॉन्ड एग्जिट पोल, एग्जिट पोल के बाहर भी जो भाषा का प्रयोग हुई है, यह बहुत ही गणतंत्र के लिए खतरनाक है। लोगों को उस्काना कि चुनाव हारने से समाजवादी सैनिक हिंसा अपनाना, ये कोई भी प्रजातंत्र में, कोई एक सभ्य समाज में एक जिम्मेवार नेतृत्व से अपेक्षा नहीं किया जाता है। हम निवेदन करने के लिए आए थे चुनाव आयोग को, इस प्रकार की मानसिकता खतरनाक है। कल घटना जो बनारस में हुई, सभी को सब चीज मालूम था, ईवीएम जो वोटिंग पे लगा था उसकी सीरियल नंबर है, सारे सीरियल नंबर की वोटिंग मशीन, सारे पार्टियों की चुनाव प्रतिनिधि की दस्तखत में सील हुई है, सारे विंडो, सारे दरवाजे भी सील हुए हैं, उसमें भी सभी पार्टियों का दस्तखत लगी है। सर्वोपरि एक कैमरा, सर्विलेंस कैमरा, जिसकी लिंक आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को दिया है। ये सब होने के बावजूद प्रशिक्षण के लिए व्यवहार करने वाले ईवीएम को बहाना बना के जो कल हिंसा की गई बनारस में, इसकी आपत्ति करने के लिए हम चुनाव आयोग आए थे। हम चुनाव आयोग को मांग कर रहे हैं, इस प्रकार की अराजक तत्वों के खिलाफ जो हार से पगला गए हैं, जो हार से भयभीत हुए हैं, जो जनता को उस्काने की काम कर रहे हैं, उनकी संवैधानिक प्रक्रिया में जिनको विश्वास नहीं है, जो भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को, भारत की इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को निंदा करते हैं, ध्वस्त करने का कोशिश करते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और वायलेंस फ्री मतदान मत करना होता है। इलेक्शन कमीशन इज फ्री टू टेक इट्स ओन ओपिनियन।
whatever anomalies is done by anybody, none is above law. We are law-abiding citizen. My party is committed for that. We don't interfere in election commission's work. But we strongly disagree. We strongly condemn the undemocratic approach of Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav ji, the way he addressed the media person yesterday, threatened media person, threatened system, threatened election commission, and provoke Samajwadi Party worker. If we defeat, let us crush the system, let us break the system, let us demolish the system. This mindset is undemocratic, condemnable. सर अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा कि आप अलग अलग ईवीएम पे चले जाओ, अपने केंद्रों पे चले जाओ, ऐसे में तमाम जनता जो है निकल निकल के सामने आई है, वो फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, तो ये आपको क्या लगता है, ये ठीक है जिस तरह से इस तरह के बयानों पर भी कार्रवाई क्या होगी? देखिए, हमने चुनाव आयोग से ये अपेक्षा किया है मतगणना वायलेंस रहित होनी चाहिए, हिंसा रहित होनी चाहिए। व्यवस्था के सामने कोई ऊपर में नहीं है। इस प्रकार की अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अराजक तत्वों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ये हमारी स्पष्ट मांग है। थैंक यू।